नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि आप अपने Facebook प्रोफाइल पर ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो का ऑप्शन कैसे ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप अपने Facebook प्रोफाइल पर ऐड फ्रेंड की जगह फॉलो का ऑप्शन कैसे ला सकते हैं। दोस्तों एक बात और आपको जान लेनी चाहिए कि अगर आप अपने Facebook प्रोफाइल को पेज में बदलना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो में बनाया हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करने के लिए, टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड के कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए उसका भी वीडियो बनाया हुआ हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिसके प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है उसका भी वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो है कि सबसे पहले आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सिंपली आपको अपने जो है कि प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर चले जाना है, यहाँ ऊपर राइट साइड में। इस पर जैसे जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा, ऐसा खुल करके आएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि अभी देखिए मेरे में जो है कि यहाँ पर देखिए ऐड स्टोरी आ रहा है, अभी कोई कुछ मतलब फॉलो का ऑप्शन नहीं है। तो ये मैं आपको फॉलो का ऑप्शन ला करके दिखाऊंगा लाइव एकदम प्रूफ। तो चलिए अभी बैक हो जाते हैं होम पेज पर। यहाँ सिंपली आपको अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन में चले जाना है, प्रोफाइल से यहाँ पर इस पर चले आना है। यहाँ से नहीं, यहाँ पर नहीं आना है, यहाँ से जो है कि अभी हमें इस पर आएँगे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर। यहाँ से आने के बाद हमें जो है कि यहाँ पे देखेंगे नीचे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, तो हमें इस वाले पे चले जाना है। इस वाले पे जैसे जाएंगे देखेंगे एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा ऊपर, तो हमें सिंपली सेटिंग वाले में चले जाना है। जैसे सेटिंग वाले में जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोफाइल सेटिंग, ऊपर आप देख रहे होंगे, तो हमें इस वाले पर सिंपली चले जाना है। प्रोफाइल सेटिंग पर जैसे जाएँगे, जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि एक नीचे पब्लिक पोस्ट आ रहा है, तो हमें पब्लिक पोस्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इस पे जैसे जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं जैसा जैसा बताऊंगा बस आपको वैसे वैसे करते चले जाना, ज़्यादा कुछ इसमें सेटिंग में चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ बस हमें सब कुछ पब्लिक कर देना, जैसे यहाँ देखिए पब्लिक है मेरा, इसको भी पब्लिक कर देना है। नीचे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है तो इसको भी जो है कि अभी हमें पब्लिक कर देना है। यहाँ एवरीवन कर देना है, मतलब पब्लिक इसको भी कर देना है, हर चीज़ मतलब यहाँ पर पब्लिक कर देना है जो इसमें पब्लिक पोस्ट वाले में। पब्लिक करने के बाद यहाँ से जो है कि अभी हमें बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद जो है कि हमें अपने होम पेज पे चले जाना है, पूरा बैक हो जाना है होम पेज पे एकदम आ जाना। होम पेज पे आने के बाद हमें यहाँ से थोड़ा रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से हमें अपने जो है कि यहाँ जो अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन जाने के बाद फिर यहाँ से हमें फिर अपने सी योर प्रोफाइल इस पर जाना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाएँगे देखेंगे यहाँ पर अभी भी ऐड स्टोरी यहाँ पे आ रहा है मेरे में, तो अभी देखिए ऐड टू स्टोरी बगल में थ्री डॉट दिखाई दे रहा है लाइन, तो हमें इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे जाएंगे, जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है व्यू एज यहाँ नीचे, तो व्यू एज पर जैसे हम क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे जो है कि हमारे में फॉलो का ऑप्शन यहाँ पर आने लगा है। अगर आपका कोई फ्रेंड आपका देखेगा यहाँ पर जो है कि प्रोफाइल खोलेगा तो उसके में फॉलो का ऑप्शन दिखाई देगा ऐड फ्रेंड की जगह, तो आपको फॉलो करेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।